अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? आप सब ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ चावलों वाली खीर। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो चलो दिखाता हूँ चावल वाली खीर में क्या क्या डालना है। सबसे पहले मैंने लिए आधा किलो चावल, जो मैंने तकरीबन 6 घंटे पहले भगो के रख दिए थे। तो अब मैंने इसके साथ ही उसको मिक्स कर लिया है चावलों को। और इसके साथ मैंने लिया है 6 लीटर दूध, आधा किलो खोया डालूँगा, ये पाउडर है मिक्स घी का। और इसके साथ मैं डालूँगा काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट। और मैं डालूँगा इसमें शुगर नहीं डालूँगा, इसमें मैं डालूँगा शक्कर। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल जैसे गांव में बनती है ना पाकिस्तान देसी, वैसे तरीके की खीर बनाऊँगा। तो चलो दिखाता हूँ अब कैसे। मैंने बर्तन ले लिया, अब मैं डालने जा रहा हूँ बर्तन में दूध, फिर डालूंगा चावल। चलो देखते जाए आगे वीडियो हमारी। दूध मैं डाल रहा हूँ, मैं फूला तो गया दूध सर। मैंने डाल लिया और आग जला दी हल्की आंच पे, जो है ना बनानी है खीर। अब डालने जा रहा हूँ चावल। चावल मैंने डाल दिए, अब हल्की आंच पे जो है ना ऐसे आस्ता आस्ता इसको मिक्स करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। जो ड्राई फ्रूट मैंने लिया है इसको मैंने थोड़ा थोड़ा बारीक किया, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। दूध तकरीबन थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ शक्कर। शक्कर जितनी आपने डालनी डाल लें, थोड़ी सी आप डाल लें और इसके बाद अब जायका चेक कर लें कि शुगर ठीक है तो इसके बाद भी आप डाल सकते हैं। तकरीबन तकरीबन मैंने आधा किलो शक्कर डाली इसमें। तो अब जो हल्की आंच पे आस्ता आस्ता तकरीबन तकरीबन 1 घंटा जो ना हम चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे। ऐसे चमचा जो है आस्ता आस्ता हिलाते जाना, दूध को उबाला नहीं आने देना। तो फिर जो आस्ता आस्ता ना चावल मिक्स हो जाएंगे इसमें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ ग्रीन कर्दामून और ग्रीन सुल्ताना, छोटी इलायची और सौगी। मैंने छोटी इलायची के जो बीज निकाल कर डाले थे, अब उससे देख सकते हैं शक्कर डाली शक्कर से दूध का कलर भी चेंज हो गया और जो इलायची डाली इलायची से कुछ बहुत बहुत अच्छी आएगी। हम तकरीबन इसको 1 घंटा आस्ता आस्ता जो है ना ऐसे घुमाते जाएंगे। देख सकते हैं दूध उबाला आ रहा है, पर हम चम्मच हिला रहे इससे जो है ना उबाला नहीं आएगा। देख सकते हैं जी दूध में जो चावल मिक्स हो गए हैं तकरीबन, देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ खोया। देख सकते हैं खोया मैंने इसमें डालने जा रहा हूँ। खोया आस्ता आस्ता घुमाऊंगा, खोया जो है खुल जाएगा। और चावल देख लें कैसे जो है ना थोड़े थोड़े सकते हैं। अभी अभी थोड़े से और आधा घंटा लगाऊंगा तो अच्छी तरह की जो है ना सही जो है ना जैसे खोए की तरह बन जाएगी। देखें खीर हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम जो चावल है ना ऐसे इसके साथ मिक्स कर लेंगे चावल। फिर हम इसके बाद जो है ना खीर का पाउडर इसमें ऐड करेंगे और जो वगैरह खोपा बादाम गिरी जो इसके बाद इसमें हम सब चीज़ें शामिल करेंगे। हमें तकरीबन तकरीबन 1 घंटा हो गया ऐसे ऐसे हिलाते हुए मिक्स करते हुए। देख सकते हैं चावल हमारे ऊपर आ रहे हैं ये चावल। खीर हमारी जो है तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ खीर मिक्स पाउडर। और इसके साथ मैं मिक्स करूंगा इसमें ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जो अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना, तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे आप इसको। देख लें ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया है, तकरीबन 10 के लिए चम्मच हिला देंगे और हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे। दो जी देख सकते हैं खीर हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी
मैं प्लेट में डाल कर दिखाता हूँ आपको। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी और खूबसूरत सी खीर हमारी तैयार हो चुकी है। हमने प्लेट में डाल ली है, देखें कैसे जैसे खोया बन गया ना, ऐसे ऊपर से क्रीम सी आई हुई है। तो हमें दुआ में याद रखना, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, जो आने वाले नए व्यूज़ हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।